बाबा कितनी दूर है विजय लक्ष्मी जी का घर? ज्यादा दूर नहीं है, पास में है। चंगा जी। पता पूरे 10 साल बाद मिलूंगा मैं उनसे आज। पता है कुल्फी, वो लेडी अपने समय से आ गई थी। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक हो, वेस्टर्न म्यूजिक हो, बंदा सुन ले बस उनकी एक बार आवाज, भुला नहीं सकता था जी। वैसे गाना तो पहले बहुत गाए थे उन्होंने, पर संगीतकार के तौर पे अपना पहला एल्बम बना रही थी वो, जब मैं मिला था उनसे। इतना सुंदर इंसान कुल्फी, मैं आज तक नहीं मिला इतने सुंदर इंसान से। मतलब बाल उनके ये लंबे लंबे काले घने बाल, उन पे गजरा लगा के रखती थी वो, कांजीवरम की साड़ियाँ पहनती थी एकदम कड़क, हाथों में, गले में, कानों में सोने के हीरो के जेवर। उनको देख के बस कोई भी कह सकता था इन्हें जिंदगी का शौक है, और हमेशा हंसती मुस्कुराती मजाक करती रहती थी, ऐसी मिलती थी हमेशा। और उनका घर मेरा फेवरेट हुआ करता था। ओहो, उनके घर में जो सामान हुआ करता था, इतना आर्ट का शौक था ना उनको। और पेंटिंग, ओहो, उनके घर में जो पेंटिंग हुआ करती थी मैंने आज तक नहीं देखी इतनी बढ़िया। पता नहीं शायद वो एल्बम उन्होंने रिलीज नहीं किया, क्योंकि अगर रिलीज हुआ होता तो गाने सुनने में तो आए होते ना। आज पूछ लेंगे उनसे। पापा, विजय लक्ष्मी जी से बात करने के बाद हम चलेंगे ना चांदनौर? हाँ मेरी माँ, हाँ, बड़ी जोर से लगी देखो छुट्टियाँ। रुको तो सही, बड़ी जल्दी है। चंगा लग रहा हूँ। सब तो चंगे लगते हो बाबा हमेशा आप तो। अच्छा अभी रेवती जी ने एड्रेस तो यही दिया था। पापा किसी और दिन आ जाएंगे ना, अभी हम चांदनौर के लिए निकलते हैं। पापा पर ताला नहीं है वो तरफ। विजय लक्ष्मी जी, कुल्फी आई है विजय लक्ष्मी जी। पर पापा आपने जैसे बताया था वैसे तो ये नमस्ते जी, पहचाना आपने? अरे पहचान लिया, आप तो बहुत सालों बाद आए। कम कम अंदर आओ, अंदर आओ। जी का घर। आओ बैठो, आओ, आइए बैठिए। राजू, इतने सालों बाद मेहमान आए हैं, चाय वगैरह ले आओ। राजू! नहीं विजय लक्ष्मी जी, कोई जरूरत नहीं है, बस मन किया आपसे मिलने का तो चले आए। अच्छा किया। कैसी हैं आप? याद है आपको 10 साल पहले मैं मिला था आपसे? और शांताराम जी कैसे हैं? कौन शांताराम जी? ये पूजा है ना, आपकी छोटी बहन। हाँ, कितनी प्यारी है। नहीं, तो मेरी बेटी है कुल्फी। और तुम मोहन हो ना? मैं सिकंदर जी, सिकंदर सिंह गिल। अभी 10 साल पहले मिला था ना, मैं वही बताया आपको कि आप एल्बम बनाई थी आपने, आप मुझसे गवाना चाहती थी गाना, याद है आपको? हाँ। चलो आप आराम से बैठो, मैं जरा आती हूँ। तो गड़बड़े बच्चे। पापा, उन्हें तो कुछ भी याद नहीं है, बात भी नहीं कर रही वो तो। हमें चलना चाहिए प्लीज पापा। नहीं, रुक रुक रुक, बच्चा है भी नहीं, 2 मिनट रुक जा, बात करनी जरूरी है हमसे। मन चंगा नहीं लग रहा कुछ, आने दो उनको वापस। सिकंदर, मुझे तुम्हें कुछ कहना है, मुझे स्ट्रेस नहीं देना है तुम्हें, पर इट्स रियली इम्पोर्टेंट कि मैं तुमसे कह दूं, क्योंकि मुझे अपना मन हल्का करना है, मैं बहुत स्ट्रेस में हूँ। तो मेरी बात सुनो, कल जो भी तुमने कहा ना, जो भी बात कही सबके सामने, मुझे बहुत बुरा लगा है, मुझे बहुत हर्ट हुआ है, बस। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? मैंने क्या बोला? क्या हुआ? What do you mean, कौन सी बात? तुमने नहीं कहा सबके सामने कि अगर मेरे डैड की डील नहीं ली होती तुमने तो लाइफ कुछ और होती? नहीं कहा कि विजय लक्ष्मी जी की डील ले ली होती तो तुम्हारी लाइफ बहुत बेटर होती, तुम और खुश होते? नहीं कहा तुमने? तुम ऐसी बातें कर कैसे सकते हो सिकंदर, आफ्टर सो मेनी इयर्स ऑफ बीइंग टुगेदर, वी हैव गॉन थ्रू सो मच, हमने इतना सब कुछ देखा है लाइफ में साथ में, तुम ऐसा बोल कैसे सकते हो सिकंदर? तुमने ये रियलाइज नहीं किया कि जब तुम मेरे डैड के साथ जुड़े तब उसके साथ मैं भी तुम्हारी लाइफ में आई, तो यू रिग्रेटेड कि मैं तुम्हारी लाइफ में आई? लवली, तुम कुछ का कुछ बना रहे हो यार, मेरा ये मतलब नहीं था, मैंने तुम्हारा नाम कब लिया? अच्छा सुनो, मैं अभी विजय लक्ष्मी जी के यहाँ आया हूँ और मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। तुम्हारा आइडिया बहुत अच्छा है, एसएससी रिकॉर्ड्स लिमिटेड वाला, उसको सेटअप करना है ना, तो मेरे पास टाइम बहुत कम है, मैं रखता हूँ, मैं करता हूँ तुम्हें। अरे सिकंदर, तो मैं जो बोल रही हूँ सिकंदर, ये हमेशा ऐसा करता है, फोन कर। पापा, आपने तो कहा था एक घंटा बस। क्या? आपने तो कहा था एक घंटा बस, पर विजय लक्ष्मी जी अभी तक बाहर नहीं आई। हम चलते हैं ना पापा, प्लीज। चल देखता हूँ, पता नहीं बाहर क्यों नहीं आई। तू चल, तू देख, मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। क्या हुआ? आप फिक्र मत कीजिए सिकंदर जी, उन्हें हो जाता है ऐसा कभी कभी। आप वहाँ से जाइए, मैं आ जाऊंगी वहाँ उनका ध्यान रखने। डोंट वरी। चंदा जी चलो चलो। सिकंदर सिंह गिल, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में घुसने की? तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी, मेरी जिंदगी बर्बाद करके तू बन गया स्टार हैप्पी। जब किसी को भरोसा नहीं था ना तुझ पे, तो मैंने भरोसा किया। मैंने भूल गया, तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। देख सिकंदर देख, इधर मैं अपनी पहली एल्बम का पोस्टर लगवाना चाहती थी और अब देख सब खाली है, एकदम खाली। और वहां मेरी हारमोनियम की जगह थी, हारमोनियम की जगह थी वहां, और इधर ग्रामोफोन की, और अब कुछ नहीं है। ऑल सोल्ड, ऑल सोल्ड। सिर्फ तेरी वजह से, सिर्फ तेरी वजह से आज मेरे पास कुछ नहीं है, खाली दीवारें, सब कुछ खाली, सब कुछ खाली। मैं ऐसी थी, हाँ बोल ना, मैं ऐसी थी। अब क्यों चुप है? गाना सुनोगे, एक गाना सुनोगे, है? एक बहुत ही बढ़िया सा गाना सुनाती हूँ। ये तो बहुत ही बढ़िया गाना है। कौन हो तुम? हाँ कौन हो तुम? चोर, मेरी तिजोरी लूटने आए हो। चोर चोर चोर, मेरी तिजोरी चोर चोर। मेरी बात नहीं कर रहे थे, जो मैंने सुना उसका क्या? खुद अपने कानों से सुना मैंने कि तुम बोल रहे थे कि तुम्हारी लाइफ बेटर होती अगर मैं नहीं होती उसमें, तुम रिग्रेट करते हो। और अगर मेरी परी होती ना तो यहाँ होता सिकंदर। है नहीं है, मैं अकेली खड़ी हूँ हमेशा की तरह। वो कहा है अपनी कोई ट्रिप पे निकल गया एज यूजुअल, और वो भी कुल्फी के साथ एज यूजुअल। जब देखो कुल्फी कुल्फी कुल्फी। मेरी फ्रेंड सही कहती है, हमेशा सही कहती है कि मुझे अपने बारे में सोचना शुरू कर देना चाहिए। तुम मरने वाले हो और मुझे तो जिंदगी जीनी है ना। मुझे और अमायरा को अपनी जिंदगी जीनी है, बहुत अच्छे से जीनी है सिकंदर, अच्छी जिंदगी जीनी है। तो तुम जियो या मरो। आई डोंट थिंक आई शुड केयर एनी मोर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा केयर करने लगी हूँ। आई शुडंट। मेरी और अमायरा की लाइफ मुझे बेटर करनी है। इट्स टाइम टू टेक कंट्रोल। लवली रेवती जी, हुआ क्या है? सदमा लगा है उन्हें। 10 साल पहले इन्होंने अपने पहले एल्बम के लिए किसी सिंगर को चुना था, लास्ट मोमेंट पे बैकआउट कर गया। उसने कहा वो किसी और के साथ एल्बम करेगा। कोई डील साइन की थी उसने, बट तब तक दीदी ने सब प्रोड्यूसर्स वगैरह को उसकी आवाज सुना दी थी। सिंगर चला गया तो प्रोड्यूसर्स भी चले गए, क्योंकि उन्हें वही सिंगर चाहिए था। एल्बम अटक गई, वो कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। बहुत नुकसान हुआ। धीरे धीरे लोगों ने दीदी को सीरियसली लेना ही छोड़ दिया। उनका करियर शुरू होने के पहले ही खत्म हो गया। तब से ये कभी उभर ही नहीं पाई। कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते ही गए। फिट्स आते हैं, कभी नॉर्मल बिहेव करती है तो कभी सब भूल जाती है। चाहते हुए भी इनके साथ आके नहीं रह सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली है। बट जब कभी पॉसिबल होता है आके एक बार देख लेती हूँ। और कोई है भी तो नहीं जो इनके साथ रह सके, इनका ख्याल रख सके। कैसी है नोटो साहब? अभी ठीक है। नोटो पिछले 10 साल से ऐसी है। कोई तरीका, कोई इलाज तो होगा उनको ठीक करने का। रेवती जी ने मुझे उनके इस म्यूजिक एल्बम वाले इंसिडेंट के बारे में बताया। उसी से जुड़ा हुआ कोई एक इंसिडेंट, कोई एक पल जिसमें विजय लक्ष्मी जी अटक गई हैं। उनका ब्रेन बार बार उनको वहीं लेके जाता है। आप लोगों को पता लगाना पड़ेगा कि उस एक मोमेंट में एग्जैक्टली हुआ क्या था। कैसे डॉक्टर? हम तो ये भी नहीं जानते कि एक्चुअली वो सिंगर था कौन जिसके साथ दीदी अपना पहला एल्बम बनाना चाहती थी। मैंने बहुत बार उनसे पूछा बट उन्होंने कभी उसका नाम नहीं बताया। हेल्प के लिए चाहे भी तो किसके पास जाए? मुश्किल है, पर यही एक तरीका है। उस इंसिडेंट, उस पल में जो हुआ, अगर उसे बदला जा सके तो ही कुछ हो सकता है। जब तक वो सिचुएशन चेंज नहीं होती तब तक इनकी हालत का ठीक होना पॉसिबल नहीं। पर डॉक्टर, पास्ट में जो हो चुका है उसे कैसे बदला जा सकता है? पापा, हमें चांदनौर जाना है ना जी। गड्ढे चालू करो ना। एक बार चांदनौर से वापस आ गए, जब मैं वापस आ जाए ना विजय लक्ष्मी जी से मिलने। कैसे जा सकता हूँ? कई बच्चे मेरी वजह से किसी की जिंदगी खराब हो गई है। देख ये खाली दीवार है। देख सिकंदर, देख इधर। मैं अपनी पहली एल्बम का पोस्टर लगवाना चाहती थी। पापा, हमें जाना पड़ेगा। पापा भैया प्लीज जी, हमारे चांदनौर जाना बहुत जरूरी है। बच्चे, तू मेरी सियानी बुढ़िया है ना, तू मैंने बता हम कहाँ जा रहे हैं? छुट्टियों पर जा रहे हैं। छुट्टियाँ ज्यादा जरूरी है या फिर उनकी तबीयत, उनकी जिंदगी, विजय लक्ष्मी जी की? पापा, मैं आपको नहीं बता सकती जी। हम छुट्टियाँ मनाने नहीं जा रहे चांदनौर, आपके इलाज के लिए जा रहे हैं। अगर मैंने ये बात बताई तो आपने मना कर दिया न जाने से। रब जी, मैं कैसे बनाऊं पापा को चांदनौर जाने के लिए? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।